उत्तर प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। सिर्फ 4 सेकंड में पूरा मकान जमींदोज हो गया। हालांकि गरिमत यह रही कि मकान का यह हिस्सा खाली था, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। बराबर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, 4 सेकंड, ये देखिए 4 सेकंड में ये मकान मलबे में तब्दील हो गया। सिर्फ 4 सेकंड में। गरिमत यह रही कि कोई आसपास मौजूद नहीं था। जी मीडिया संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, हम देख पा रहे तस्वीरों में सिर्फ 4 सेकंड में एक मकान मलबे में तब्दील हो गया। ये मकान पुराना भी लग रहा है, क्या कुछ इसके पीछे वजह सामने आ रही है? जैसा कि मुझे बता दी कि मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के किसान गांव का है, जहां पे बताया जा रहा है कि ये मकान काफी पुराना था। इस परिवार ने कई बार ऑनलाइन भी किया और ग्राम प्रधान से भी कई बार गुहार लगाई, पर इसको आवास की योजना के तहत इसको नहीं जोड़ा गया। इसी पीड़ित अपने मकान पे कच्चे मकान पे ही रह रहा था। बारिश लगातार यहाँ पे 3 दिनों से चल रही, जिसकी वजह से मकान पूरी तरीके से भीग चुका था। तभी आज अचानक से मकान जैसे ही धीरे धीरे करके गिरना चालू हुआ, तो जिसकी उनके परिवार ने भाग करके अपनी जान बचाई और लोग बात में चीख पुकार करके उतरे। जो आने जाने वाले लोग थे उनको भी रोका गया कि देखते देखते तत्काल मकान उस जगह ढारा सा ही हो गया, जिसका वीडियो तत्काल कैमरे में कैद हो गया था, जिसको क्या कहते हैं, वहां मौके पहुंची राजस्व टीम जांच करके जांच पड़ताल कर रही है। वहां पे किसी तरीके कोई भी हताहत नहीं है। शुक्रिया आपके संदीप जानकारी के लिए।